17 मिनट तक इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया बटन और चंद्रयान 3 ने रच डाला इतिहास। यान के अंदर शामिल की गई है ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक जिसका कमाल देखकर नासा, चीन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी बजाई तालियां। दोस्तों, चंद्रयान 3,40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार अपने चांद पर फतह पाने के सफर में आगे बढ़ रहा है और हम सभी की नजरें इस अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई हैं। इसी बीच इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 को लेकर बड़ी खबर देते हुए बताया है कि उन्होंने एक बार फिर चंद्रयान 3 के क्रायोजेनिक इंजन को फायर कर दिया है, वो भी लगातार 17 मिनट तक, जिससे चंद्रयान 3 को धरती के आखिरी राउंड में घुमाते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि अब वो 1 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, 1 अगस्त के दिन इसरो की टीम चंद्रयान 3 के साथ बड़ा मिशन करके इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाने वाली है। कहाँ पहुँचा है चंद्रयान 3 और 1 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है, और आखिर इस अंतरिक्ष यान में ऐसी क्या एआई टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए, आज आपको पूरी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन इसरो के एलवीएम 3 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को धरती के वातावरण से बाहर ले जाकर पृथ्वी के कक्षा में छोड़ा था, और तब से लेकर इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठी वैज्ञानिकों की टीम लगातार इसकी कक्षा को बढ़ाने के लिए ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर परफॉर्म कर रही है। चंद्रयान 3 का सबसे पहला ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर 15 जुलाई के दिन किया गया था, तब इस अंतरिक्ष यान के इंजन को ऑन करके इसे 41,762 किलोमीटर इंटू 173 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ा गया था, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने 3 बार और चंद्रयान का ऑर्बिट मैन्यूवरिंग किया था। अब इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की एक और अग्नि परीक्षा को पार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, 25 जुलाई के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने 1000 सेकंड्स यानी कि करीब 17 मिनट तक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन किया और 5वें ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा करके इस यान को धरती का 5वां और आखिरी चक्कर लगाने के लिए भेज दिया है, और इस वक्त चंद्रयान 3 दहाड़ मारते हुए 12,07,609 × 236 किलोमीटर की ऑर्बिट में पृथ्वी का आखिरी चक्कर लगा रहा है, जिसके बाद इसे लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में डाल दिया जाएगा और ये चांद की तरफ अपनी लंबी यात्रा पर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया में इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजन को पूरी क्षमता के साथ ऑन करके इसे चांद तक पहुंचाने की लंबी दौड़ पर छोड़ देंगे, जिसे लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी कहा जाता है और इस प्रक्रिया को ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इसरो ने बताया कि बेंगलुर में मौजूद इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे भारतीय वैज्ञानिक अब 1 अगस्त को रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 का इंजन फिर से ऑन करके इस ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं, जिससे चंद्रयान 3 पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से निकलकर चांद की तरफ जाने वाले लंबे हाईवे को पकड़ लेगा। लेकिन दोस्तों, इस हाईवे को पकड़ने से पहले चंद्रयान 3 को काफी तेज रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। बता दें कि जब इसरो ने अपने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को पृथ्वी की पहली कक्षा में भेजा था, तब इसकी रफ्तार करीब 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 10.242 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि एक गोली की रफ्तार से भी 12 गुना तेज है। जब किसी बंदूक से गोली फायर होती है तो उसकी अधिकतम रफ्तार करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच पाती है, जबकि चंद्रयान 3 गोली से भी 12 गुना तेज रफ्तार से पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में पहुंचा था, और अभी चंद्रयान 3 की रफ्तार 36,968 से लेकर 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकलने के लिए चंद्रयान 3 की रफ्तार इससे भी ज्यादा बढ़ानी होगी, जिसके लिए इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी कि लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजन के एक साथ शुरू किए जाने पर ये काम हो सकेगा। बता दें कि चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो इससे इसको रफ्तार मिलती है और ये अगली ऑर्बिट में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही ये एपोजी पर सबसे दूर पहुंचता है तो इसकी गति धीमी हो जाती है, तब इसे पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, और पिछली 5 ऑर्बिट से चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है। बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में जरूरी मात्रा में ईंधन उपलब्ध रहे, इसलिए इसमें 2 बड़े बड़े फ्यूल टैंक लगाए गए हैं,
जिसमें अलग अलग तरह के फ्यूल भरे हुए हैं। वहीं चांद पर लैंडिंग के दौरान अपने थ्रस्टर्स को ऑन करके लैंडर मॉड्यूल अपनी रफ्तार को धीमा कर पाए, इसलिए उसमें भी एक पावरफुल इंजन और फ्यूल टैंक को लगाया गया है। 1 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन होने के बाद ये अंतरिक्ष यान चांद की तरफ जाने वाले इस हाईवे पर करीब 5 से 6 दिन के लिए सफर करेगा, जिसके बाद लूनर ऑर्बिट इंसर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करके इसे चांद के गुरुत्वाकर्षण सीमा में धकेल देंगे, और जब चांद इसे अपने गुरुत्वाकर्षण में पकड़ लेगा तो ये पृथ्वी की तरह ही अबंडाकार ट्रैजेक्टरी में चांद के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए यही काम सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने से चूक गया तो ये 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद को टाटा बाय बोलकर आगे निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा होने से जब तक इसरो के वैज्ञानिक इसे वापस लाने की कोशिश करें तब तक इसका ईंधन ही खत्म हो जाएगा और ये हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सही जगह पर चांद की कक्षा में एंट्री ले और चांद उसे पकड़ ले, जिसके लिए इसके प्रपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, ताकि 180 डिग्री का टर्न लेकर चांद की ऑर्बिट को पकड़ने में कामयाब हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहां आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरो इस काम में काफी ज्यादा माहिर है। बता दें कि ऑर्बिट इंसर्शन की प्रक्रिया चंद्रमा की सतह से करीब 84,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी, जिसके बाद इसरो के वैज्ञानिक लूनर ऑर्बिट मैन्यूवर परफॉर्म करके धीरे धीरे इसकी कक्षा को छोटा करते जाएंगे और आखिर में चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल चांद की 100x100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा, जिसके बाद 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को इसके प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और उसका इंजन ऑन करके उसे चांद की 100x30 की कक्षा में भेज दिया जाएगा, जहां से वो 23 अगस्त के दिन चांद के करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और आखिर में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर लेगा। दोस्तों बता दें कि लैंडिंग के आखिरी चरणों के दौरान चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार 6,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से धीरे धीरे घटाकर 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 2 मीटर प्रति सेकंड लेकर आई जाएगी, ताकि वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। अब दोस्तों बात करें चंद्रयान 3 की उस AI तकनीक की जिसने नासा, चीन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के होश उड़ा दिए हैं, तो बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और ये एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो पहले से सिखाई बातों का ध्यान रखते हुए रोबोट अपने खुद के निर्णय लेने में काबिल होगा और चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम भी इसी तकनीक से लैस है। इनकी तकनीक की बदौलत 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग हो जाने के बाद तगड़ा कमाल होने वाला है, जहां चांद की सतह पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर में से रोवर बाहर निकलकर चांद के अंधेरे वाले इलाकों में रिसर्च करने लगेगा और जैसा कि आप सब जानते हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई किलोमीटर बड़े बड़े गड्ढे और पत्थर हैं, ऐसे में एक्सीडेंट होकर रोवर तबाह ना हो जाए इसलिए इसरो ने इसमें डीप लर्निंग की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को फिट कर दिया है, जिसके जरिए ये रोबोट चांद पर सफर करते हुए अपने दिमाग यानी सॉफ्टवेयर से ही देख पाएगा कि कहाँ पत्थर हैं और कहाँ क्रैटर और कौन सा रास्ता उबड़ खाबड़ है, और जब इसके रास्ते में कोई बड़ा क्रैटर आएगा तो ये खुद ही अपना रास्ता मोड़कर उसकी साइड से आगे निकल जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर अपने आप ही चांद की जरूरी डेटा को कलेक्ट करेंगे और इसरो की ग्राउंड टीम को भेज देंगे, क्योंकि इन दोनों में पहले से ही ऐसे टारगेट सेट कर दिए गए हैं कि कौन कौन सी डेटा जरूरी है। उन्हें नापने के लिए इनकी चारों तरफ एडवांस इक्विपमेंट्स लगा दिए गए हैं जो जरूरत के वक्त अपने आप ऑन होकर डेटा कलेक्ट कर लेंगे। इस टेक्नोलॉजी का एल्गोरिथम इतना ज्यादा एडवांस है कि इसे देखकर नासा और चीन के वैज्ञानिक भी तालियां बजाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि इसमें इसरो ने अपनी जी जान लगाकर अब तक की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ताकि इस बार का चंद्रयान मिशन किसी भी हाल में फेल ना हो। तो दोस्तों चंद्रयान 3 की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस मिशन से जुड़ी पल पल की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।